महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए, अब तो इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक ड्रामे पर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और कांग्रेस के नेता की तारीफ करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को महान और संजय राउत को हनुमान बताया, लेकिन इसके उलट वह खुद मजाक के पात्र बन गए हैं। अब आइए जानते हैं कि शत्रुघ्न ने आखिर ट्वीट में ऐसा क्या लिख दिया है जिससे उनका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि महान उद्धव ठाकरे, हमारे अपने हनुमान संजय राउत और हमारे दोस्त कांग्रेस नेता ने वास्तव में महाराष्ट्र में सराहनीय काम किया है। मुझको यकीन है कि इसका फल जल्द से जल्द मिलेगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न ने एक और ट्वीट में कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करें और देखें, एक या दो दिन और। हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते के आधार पर विजेता कौन है। बस फिर क्या, उनके इसी ट्वीट पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आपस में ही महान महान खेल लो छेनू चाचा, जनता तो बोलने से रही। एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि हनुमान से याद आया कि रामायण का थोड़ा ज्ञान सोनाक्षी दीदी को भी दे देते। अपने अंदाज में एक यूजर ने लिखा है, सर जिसको आप पिक्चर बता रहे हैं एक्चुअली वो वेब सीरीज है। एक और यूजर ने लिखा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपने देखा कि किस तरह से यूजर शत्रुघ्न सिन्हा के महाराष्ट्र चुनाव पर किए गए ट्वीट पर रिएक्ट कर रहे हैं। टीम खबर अपडेट।